चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, विच इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इसे चालू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। क्या आपको पता है ऑयल और वाटर क्यों मिक्स नहीं होते? इसका आंसर है लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, शुगर एक पोलर सॉल्यूट है, इसको आप पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं विच इज अ पोलर सॉल्वेंट, पर इसको आप बेंजीन जो कि नॉन पोलर इन नेचर होता है उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। सिमिलरली ऑयल नॉन पोलर होता है तो आप इसको पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते, पर इसी ऑयल को आप बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं बिकॉज बेंजीन इज नॉन पोलर। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है जिसमें कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है। अगर इसमें थोड़ा सा और सॉल्यूट ऐड किया जाए तो अब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाता है और क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज पर हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन के बीच इक्विलिब्रियम आ गया है और इस स्टेज को सैचुरेशन स्टेज कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है। दूसरे टाइप का होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। थर्ड टाइप होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्वेंट को हीट अप करके और थोड़ा सा सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं और जब इस सॉल्वेंट को कूल करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस अनस्टेबल होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। सबसे पहला इफेक्ट है टेम्परेचर का। कोई भी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में होता है उसके ऊपर हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, तब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुगर सॉल्यूशन इन वाटर या चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम पानी को गर्म करते हैं और उसमें खूब सारी शुगर घोलते रहते हैं। सेकेंड केस है यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है। इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दूसरा इफेक्ट पढ़ते हैं प्रेशर का। सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सॉलिड्स एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल।